जरूर पूछिए ना। आप बचपन से ही देख नहीं सकते या किसी हादसे में आपकी आंखें? बचपन से ऐसी हालत नहीं थी दोस्त, एक हादसे ने जिंदगी का मोहताज बना दिया। तो फिर आपको ऐसा अकेले नहीं आना चाहिए था, किसी को साथ लेकर के आना चाहिए। अकेले जब आंखों की रोशनी साथ छोड़ देती है ना, तो लोगों को साथ छोड़ने में वक्त नहीं लगता। मतलब? कुछ नहीं, जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना। सुबह की रोशनी जब हमारी आंखों में पड़ती है, हमें नींद से उठाती है और ये दुनिया दिखाती है, तो पूरी दुनिया रंगीन लगने लगती है, सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। पर मेरी आंखों में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं, और ये अंधेरा मेरे जीवन को खाए जा रहा है। एक एक कर मेरी खुशियों को निगल रहा है, मेरे आसपास सब कुछ है मगर मिलता मुझे कुछ भी नहीं। हवाएं ठंडक तो देती है मगर सुकून नहीं देती। जिंदगी हंसना चाहती है मगर गम मौका ही नहीं देती। दीपावली में चारों तरफ दिए जलते हैं, पटाखे फूटते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, हर तरफ उजाला होता है, मगर उस उजाले से महरूम सिर्फ मैं रह जाता हूं। जिंदगी मानो जहन्नम सी हो गई, जी तो रहा हूं मगर ख्वाहिश मौत की रखता हूं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसे मायूस नहीं होते? आप मेरी छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं यही कर रहने वाला हूं, जॉब करता हूँ और रोज सुबह यहाँ जॉगिंग के लिए आ जाता हूँ। आप भी क्या यहाँ रोज आते हैं? नहीं नहीं, आज मन बहुत घबरा रहा था तो बस चला आया। तो फिर ठीक है, आज से आप यहाँ रोज आइए, आज से मैं आपका दोस्त। दोस्त? नहीं नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं कि मेरा कोई दोस्त बने। आप उससे दूर रहिए, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी। आप शांत रहिए, बैठिए। माफ करिएगा भाई साहब, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। आई एम सॉरी। आपके दोस्तों ने आपके साथ कुछ किया है? नहीं नहीं, मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे थे। अच्छे थे मतलब उन्होंने आपको छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने अपने गलती की वजह से उन्हें खो दिया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता था, फिरता था, पिक्चरें देखता था। रोज अम्मा मुझे डांटती थी, इतना बड़ा हो गया है, काम काज कर, रात रात भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है, शर्म नहीं आती तुझे? मगर ये सब सुनकर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, ऊपर से मैं और खुश होता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ के डांट में भी उनका प्यार छिपा होता है। वो कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा बुरे संगत में पड़े, बुरा इंसान बने। वो तो हमेशा यही चाहती है कि उसका बच्चा कहाँ रहे, जिस हाल में बस खुश रहे। उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी उस दिन, जो मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। क्या करता, जवानी के जोश में होश खो बैठा। उस दिन रात के 2 बज रहे थे, मैं अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुन था, जरा सा भी होश नहीं था मुझे। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत संभालने की कोशिश की मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं उसी नशे में डेढ़ सौ
गाड़ी चलाता अचानक गाड़ी पहले से हो जाता है, सामने से एक ट्रक आकर हमारे हमारी गाड़ी से टकरा जाता है और सस्ते में मेरे चारों बचपन के दोस्त मारे जाते हैं और मैं अपनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए खो देता हूँ। सिर्फ मेरे वजह से मेरे चारों दोस्तों की जान चली गई। काश उस दिन मैं शराब नहीं पीता तो आज मेरे दोस्त जिंदा होते। माँ मुझे हमेशा मना करती थी मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। बहुत बुरा इंसान हूँ मगर आप मेरे यकीन करिए भाई साहब, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उससे जो गलती हुई वो अनजाने में हुई और इसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूं। मेरी आंख जिससे मैं दुनिया देखता था, दिन को शाम होते हुए शाम को रात होते हुए देखता था, उस आंख से मैं आज खुद अपने आप को नहीं देख सकता। मेरी आंख जिसमें पिछले 2 सालों से अपने माँ के चेहरे को नहीं देखा, वो आज अपने माँ के चेहरे को देखने के लिए तरस जाती है। मेरी आंख जो मुझे हर वक्त याद दिलाती है मेरी वो गलती जिसके वजह से मेरे दोस्तों की जान चले गई। घुटन होने लगी अब मुझे इस अंधकार से, घुटन होने लगी मैं मर जाऊंगा इस अंधकार। आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप ऐसे मायूस मत होइए। आपने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। लोग कहाँ अपनी गलती मानते हैं, और बड़े बुजुर्ग ने तो कहा है शाम का सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। चलिए आज मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ, आइए आइए।